ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है पीटीसी के कनेडा स्टूडियो साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने सोनिया अहमद। सोनिया अहमद वो चर्चित शख्सियत ने जेडे कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड संस्था के प्रेजिडेंट ने, ते उन्होंने जिस तरह इस मुकाबले नू एक मुकाम दिता है वो अपने आप विच उन्हां दी वड्डी प्राप्ति है। तो असी उन्होंने सवाल जवाब कर रहे हैं उन्होंने इस शो बारे। आपने फ्लड्स का बता दिया, जो रिलीजियस एंगल से लोग एक और भी आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि रमज़ान के जो दिन थे जो उस वक्त आपने ये जो ये मुकाबला कराया जो 2010 का था जी, 2010 का मिस पाकिस्तान वर्ल्ड रमज़ान के वक्त आया। अब मुझे आप नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है ये, हमने होशो हवाज में किया था, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि होशो हवाज में किया था, क्योंकि रमज़ान का मतलब नहीं है कि हम मरे मुर्दों की तरह गली गली भटके। रमज़ान एक सेलिब्रेशन होता है। आप कहीं से भी कुरान में आप देखें, कोट देखें कि वहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कि सुरमा आँखों में डालो अपना, जो भी उस जैसे आपके सिविलाइजेशन के तौर पर जो मेकअप है वो करो, इंजॉय लाइफ, क्योंकि इट्स अ लाइफ ऑफ, इट्स अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन। ऑप्टिमिस्टिक लोगों ने, आई मीन मुझे समझ नहीं आता कि आप देखें मिडल ईस्ट में देखें, क्योंकि मैं वहां पर भी रही हूं, और वहां पर लोग इंजॉय करते हैं। 6 बजे के बाद जब रोजा खुलता है पार्टियां होती है। अभी आपको पता है इफ्तार पार्टी क्यों कहा है? इफ्तार पार्टी तो क्यों होता है? पार्टी का मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला शोर शराबा, बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींस। तो एंटरटेनमेंट होता ही है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि खाने हैं, फैमिलीज आ रही हैं, मतलब नेबर्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो रमज़ान का मतलब है सेलिब्रेशन। अब ये लोगों ने, वही फंडामेंटलिस्ट लोगों ने ब्रेन वॉश कर करके लोगों को ये बता के रमज़ान में म्यूज़िक ना सुनो, फिल्में ना देखो, गाओ नहीं, औरतों से बात भी ना करो, मतलब इतने सारे रूल्स अपने तरफ से बना कर रख दे, तो वो इंसान तो जैसे कुछ खाए ना पिए बस बैठा रहता है, दैट इज़ नॉट रमज़ान। और मेरे लिए, मैं अगर मुझे वापस मौका मिले मैं रमज़ान में वापस करूँगी, मगर हमने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा था, और अगेन अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी हमने ये ख्याल रखा था कि फॉर एग्जाम्पल रोज़े के बाद हमारा शो शुरू होगा, और रोज़ा जब खुला, एग्जैक्टली जब हम लोगों को रोज़ा जब खुल गया, लोगों ने अपना रोज़ा खोल कर अपना यू नो शुरुआत कर ली खाने पीने के साथ, तब जाकर शो शुरू हो गया। तो टाइमिंग आपने उस हिसाब से, तो मैं अभी भी, मैं लोगों ने ये भी तक भी सोचा है कि शायद आई विल बी अपोलोजेटिक, मैं नहीं अपोलोजेटिक हूँ। फेमिनिस्ट जो आपको क्रिटिसाइज करें, उसका उनका ये लॉजिक है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो आम जो औरत है वो बहुत सप्रेस्ड है, उसके हम राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, वो पुअर है, दबी हुई है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं, उसके जो लॉज उसके खिलाफ है, इस हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप हिंदुस्तान को देख लें, उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें, ठीक है, देयर आर सो मैनी वेमेन, इतनी सारी औरतें जो बॉलीवुड की स्टार्स बन चुकी हैं, चाहे वहीदा रहमान रहे, मधुबाला ले लें, माधुरी, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय, हुएवर, अब आप हर घर में जाकर देखें, हर एक बच्चा ये चाहेगा कि मैं माधुरी बनूं, रोल मॉडल। अब क्यों एंटरटेनमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हजारों देखते हैं आपको, करोड़ों देखते हैं आपको, और वो आपको एक रोल मॉडल इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप एक होप हो कि यू नो व्हाट, अगर अलट से माधुरी दीक्षित कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मुझे भी ऐसा डांस करना, मुझे भी ऐसा गाना है, मुझे भी ऐसी बातें करनी है। तो अब बात आती पाकिस्तान में फेमिनिस्ट, किस्म किस्म की फेमिनिस्ट होती हैं। एक ऐसी फेमिनिस्ट होती है जो आदमियों से बात करना ही नहीं चाहती, कोई और फेमिनिस्ट होती जो कहती है नहीं जी औरत को भी मतलब आदमियों की तरह इक्वल राइट्स होने चाहिए, कोई और किस्म किस्म के शेड्स होते हैं। तो आप कैसी फेमिनिस्ट हैं? मैं हुई नहीं आई एम अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट्स व्हाट आई एम। मैं सबको इक्वल समझती हूँ, ना मुझे आदमी में कोई ऐब लगता है ना मुझे औरतों में, बस सबको समझदार होना चाहिए। अब फेमिनिज्म पर बात यहाँ रुकती है कि लोग कहते हैं कि जी हमारी औरतें गरीब हैं, खाना नहीं मिल रहा है, मर रही हैं, ये हो रहा है, मगर अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हम मिस पाकिस्तान पाकिस्तान में करते हैं तो शायद हम तो कब के मतलब वो क्या कहते हैं परलोक सिधारते राइट। तो अब यहाँ इस एंगल से देखें तो हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, लोगों को समझना चाहिए। और वो जो औरतें जो ये फेमिनिस्ट्स वहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर बात कर रही हैं कि यहाँ पर औरतें ये हो रही है वो हो रही हैं,
وہی غریب عورتیں ہمیں ای میلز کرتی ہیں, ہمیں فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یو گائز آر امیزنگ, کہ یو گائز آر دا ہوپ, کہ آپ کو ہم دیکھ کر ایک اچھا لگتا ہے کہ یو نو آپ لوگ اس طرح کر رہے تو ہمیں بھی اس مطلب ایک ہوپ ہے اوور آل. یہ نہیں کہ وہ ہماری طرح بیوٹی کوئنز بنیں گی, مگر دا مین تھنگ از ایک ہوپ آ جاتا ہے کہ جی ایٹ لیسٹ کوئی پازیٹیو چیز تو ہو رہی ہے پاکستان کے لیے رادر دین نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو. تو جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہاں کے, جیسے اسما جہانگیر ہے وہاں کی, اور بھی ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وہ بھی وومن کاز کے لیے جب لڑ رہے ہیں, تو ان کا کیا اس کے بارے میں ماننا ہے؟ وہ کافی کوائٹ ہیں, وہ کبھی کچھ نہیں کہتی ہیں. آئی مین اسما جہانگیر ایک رول ماڈل آٹومیٹکلی ہے, کیونکہ وہ ایک شی از اے گریٹ لائر, شی از اے گریٹ ایکٹیوسٹ. ایک دو ہے, میں نے کہا نا ہر فیمنزم کا شیڈ ہوتا ہے, ان کا شیڈ یہ ہے کہ کرنے دو, یو نو ہونا چاہیے, ایک پازیٹیو ایک آپٹیمسٹک اپروچ. آپ کا رول ماڈل کوئی ہے؟ میرا رول ماڈل ایک ہے, مگر وہ فیمیل نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ مشرف ہیں. بیکاز آئی تھنک ہی از این امیزنگ پرسن, اور ویری ویل اسپوکن, ویری ایلیگنٹ, بس ناٹ اے پالیٹیشین ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, بٹ اے ویری اسٹرانگ پرسن اینڈ کین میک اے ویری گڈ پالیٹیشین. سو آپ کو ملاقات بھی ہوئی تھی؟ میری ملاقات ہوئی تھی, ملے تھے جی. کوئی اس کا کوئی یعنی میمریبل؟ ان کی تو ایک ایک جو ورڈز نکل رہے تھے منہ سے وہ سارے میموریبل تھے, بٹ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. میں نے یہ ایک چیز نوٹس کی تھی کہ پریزیڈنٹ مشرف بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, بہت ویلکمنگ ہے, ہی انجوائز پیپل اینڈ ہی از اے پیپلز پرسن. تو یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی تھی. ایک